नमः शिवाय। जय श्री राम। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य मंगल। सन 2022 का वर्षफल हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि के विषय में जानकारी पिछले वीडियो में दिया था। आज इस वीडियो में हम आपको सिंह राशि के विषय में पूरी जानकारी देंगे। सन 2022 सिंह राशि वालों के लिए क्या सौगात लेके आया है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा कैसा रहेगा और संतान की स्थिति कैसी रहेगी, इन सारे विषयों के ऊपर पूरी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम आपको सन 2022 में सिंह राशि वालों की स्थिति ग्रहों की कैसी रहेगी इसके विषय में जानकारी दे देते हैं। आपके चतुर्थ भाव अर्थात वृश्चिक राशि में मंगल, केतु, चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी। धनु राशि में पंचम भाव में आपके सूर्य और शुक्र की उपस्थिति रहेगी। छठे भाव में मकर राशि में बुध और शनि की उपस्थिति रहेगी। सप्तम भाव कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और दशम भाव वृषभ राशि में राहु महाराज की उपस्थिति रहेगी। इस वर्ष तीन महत्वपूर्ण ग्रह जो लंबे समय तक आपके कुंडली के भाव में रहते हैं उनका राशि परिवर्तन होगा, जिसका पूरा प्रभाव आपके राशि के ऊपर पड़ेगा। राहु महाराज 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे अर्थात आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। 13 अप्रैल को देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे मीन राशि में, खुद के घर में। और 29 अप्रैल को शनि महाराज आपके छठे भाव से सप्तम भाव में अपने कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो अप्रैल महीने तक आपका जीवन अलग होगा, आपको फल अलग मिलेंगे और अप्रैल के बाद आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन होंगे, फल बदल जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए दो प्रकार का फल इस समय सन 2022 में मिलेगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए अप्रैल तक आपकी चांदी ही चांदी है। अप्रैल तक जिस काम में आप हाथ डालोगे पैसा कमा लोगे, शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे, आर्थिक स्थिति सही रहेगी, नौकरी में है तो तरक्की कर लेंगे, व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपकी तरक्की होगी, परिवार की स्थिति सही रहेगी अप्रैल तक। अप्रैल के बाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। अप्रैल से लेके 29 अप्रैल से लेके 12 जुलाई तक शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रहना है। कुछ गलत फैसलों की वजह से व्यापार में हानि कर देंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमे जिनके ऊपर चल रहे होंगे वो वहाँ पे परेशानी बढ़ जाएगी। या तो अप्रैल से पहले आप छुटकारा पा जाएंगे, नहीं तो 29 अप्रैल से लेकर 12 जून के बीच में दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। तो ये समझ के चलिए अप्रैल तक संतान पक्ष से लेके, आर्थिक पक्ष से लेके, परिवार पक्ष से लेके हर एक क्षेत्र में सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। अप्रैल तक आयु आपकी लंबी है अर्थात शनि तीसरे दृष्टि से देख रहे हैं अष्टम भाव को, आयु से दिक्कत समस्या नहीं है, रोड चोट एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बिल्कुल कम है, बीमार नहीं पड़ेंगे अप्रैल तक। अप्रैल तक स्थितियां आपके लिए बहुत सही हैं, लेकिन अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी, परिवार में क्लेश उत्पन्न हो जाएगा, कुछ गलत फैसलों की वजह से नौकरी या व्यापार में आप हानि उठा सकते हैं, क्योंकि भाग्य भाव में राहु की उपस्थिति भ्रम पैदा करेगा। राहु अपने पंचम दृष्टि से आपके राशि को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेगा, भाई से भाई का भी विवाद हो सकता है, राहु यहाँ उसकाएगा आपको, छोटी यात्राएं कराएगा आपसे और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा धनु राशि को। तो आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर से संबंधित जो भी विद्यार्थी हैं या काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा, परंतु इसको छोड़कर बाकी लोगों के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा।
29 अप्रैल के बाद शनि जो है आपके सातवें भाव में आ जाएगा, फिर यहाँ से आपके वैवाहिक जीवन के लिए विलंब पैदा हो जाएगा, लेट हो जाएगा। इससे पहले तो जिसको विवाह करना है वो आराम से कर सकता है, लेकिन 29 अप्रैल के बाद विवाह विलंब से होगा। 13 जुलाई तक दिक्कतें होगी, लेकिन 13 जुलाई के बाद जब शनि वापस से वक्री होगा तो उसके बाद विवाह के लिए भी आपका मार्ग खुल जाएगा। तो मोटी मोटी बात आपको बता दे रहे हैं कि 29 अप्रैल तक आपको दिक्कत समस्या नहीं है, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, लाभ लीजिए। लेकिन अप्रैल के बाद से आपको दिक्कत समस्याएं आएंगी, उसके लिए सावधान रहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना और प्रभु श्री राम का भजन करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ पे आप अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, भ्रम की स्थिति न पालें और सदैव कर्म के ऊपर विश्वास रखें और 29 अप्रैल के बाद बगैर सोचे विचारे कोई काम न करें। सलाह लेके काम करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो नुकसान खा जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।